24 hours ice tent camping. जबेली नाम का गांव बर्फ के पहाड़ों के पास रहता था। उस गांव में त्यागी नाम का एक बेकार आदमी रहता था। त्यागी लड़कों को कॉलेज जाने नहीं देकर रोक लेता था। अरे क्यों बेकार में कॉलेज में जाकर अपनी कीमती समय खराब करते हो? लाइफ में एंजॉय करने का टाइम यही है यार। बाद में जैसे भी अंकल्स बन जाएंगे, घर, ऑफिस, बीवी, बच्चे के सिवा हमारे पास कोई काम नहीं रहेगा। आपको मार्क्स ही तो चाहिए ना। परीक्षा के समय में मैं आप लोगों को खिड़की से स्लिप्स वगैरह देता हूँ। आपको क्यों इतना जल्दी है? फिर अब हमें क्या करना है यार? सिनेमा देखने चलते हैं क्या? ठीक, सिनेमा, शिकार, ये तो सब लोग करते हैं। चलो हम एडवेंचर्स करते हैं, चैलेंज लगाते हैं। आज का मुकाबला ये है कि अरे अनिल, तुम हमारे गांव के कोने में जो बेकार पड़ा हुआ पुराना हवेली है ना, उसमें जाकर आज रात पूरा उधर अकेले में गुजारना होगा। अगर तुम वहाँ रह पाए तो मैं तुमको 10,000 देता हूँ। अगर तुम डर के मारे भाग गया तो तुम मुझको 10,000 देना होगा। ठीक है ना? अरे ये तो डरपोक है। क्या रे, डर गए हो अभी से? अरे मुझे तो कोई डर नहीं है, मैं रेडी हूं। उस रात अनिल उस पुराना हवेली में जाकर बैठ गया, अकेले में डर के मारे उधर गुजारा और अगले दिन बुखार आकर हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हो गया। अगले दिन अनिल के भाई चिंटू को त्यागी के ऊपर बहुत गुस्सा आया। एक दिन त्यागी दोस्तों के साथ एक चैलेंज के बारे में बात कर रहा था, तभी चिंटू वहां गया। त्यागी भैया, आप बहुत साहसी हो कहकर सुना है, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, क्या आप उसमें जीत पाओगे? हाँ, ऐसा चैलेंज जिसमें मैं नहीं जीत पाऊंगा वैसा कौन सा हो सकता है? बोलो क्या है वो? आपको 24 घंटे उस बर्फ वाले पहाड़ के जंगल में टेंट लगाकर कैंपिंग करना होगा। अगर वो कर पाए तो आप ग्रेट हो कहकर सब मानेंगे। अगर आप नहीं कर पाए तो अब से आप किसी से भी चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप हमेशा शमशान घाट में बरगद का पेड़ के पास भेजकर चैलेंज लगाते हैं ना, इस चैलेंज में आपको हिस्सा लेना ही होगा। तब त्यागी डर के मारे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो बर्फ और जंगल से बिल्कुल डर नहीं है, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। अगले दिन त्यागी एक ट्रैकिंग बैग लेकर जंगल के तरफ गया। वहां पर जंगल में एक टेंट लगाया। लकड़ियां लाकर कैंप फायर लगाया। एक बर्तन को लेकर उसमें बर्फ डालकर पानी उबालकर उस पानी को पिया। फिर त्यागी ने उसका गर्लफ्रेंड को कॉल किया। चलो डार्लिंग, अभी मैं कहाँ हूँ मालूम है? बर्फ के पहाड़ों के जंगल में टेंट लगाकर फायर लगाकर उधर हूँ। तुम्हें मालूम है ना, आई एम वेरी डेयरिंग फेलो। वहाँ क्यों गए हो यार? आजकल वहाँ भालू घूम रहे हैं कहकर सब लोग बात कर रहे थे। अरे डराओ मत, फोन रखो, मैं बाद में करता हूँ। थोड़े देर के बाद उसको बहुत भूख लगने लगा। कोई जानवर मिलेगा है सोचकर ढूंढने निकला। एक जगह पर उसको एक खरगोश दिखाई दिया। अरे वाह, मुझे शिकार मिल गई कहकर उसको पकड़ा। खरगोश को लेकर पीछे मुड़ते ही उसके आगे एक बड़ा सा भालू था। वो भालू उसके ऊपर कहकर गुस्से से देख रही थी। हे भगवान, भालू कहकर उधर से भागा। वो भालू भी उसका बहुत देर तक पीछा किया। कैसे भी करके उसके पीछे छुड़वा के त्यागी टेंट के अंदर गया। वहां एक अजीब सा व्यक्ति था। ए कौन हो तुम, हमारे क्षेत्र में आकर
घर बनाकर हमारा जगह को कब्जा करने के लिए सोच रहे हो क्या? कहकर त्यागी को पकड़कर खूब पीटा। अरे बाप रे, मुझे छोड़िए सर, मैं ऐसा मजा लेने के लिए यहाँ आया था, भगवान के लिए छोड़ दो। अयो कहकर चिल्लाने लगा। वो व्यक्ति त्यागी को पकड़कर खूब पीटा और वहां से चला गया। त्यागी दर्द सह नहीं पाकर टेंट के अंदर जाकर सो गया और रात हो गया। त्यागी ठंड को सह नहीं पाकर आग में हाथ सेकने लगा। तभी वहां जोर से बारिश होने लगा। उस बारिश की वजह से आग भी बुझ गया। त्यागी टेंट के अंदर घुस गया। अगले दिन शाम तक त्यागी नहीं आने के वजह से लोग उसको ढूंढते हुए उसके टेंट के पास आए। त्यागी हाथ और पैर ऊपर करके जमा कर सोया हुआ था। त्यागी को लोगों ने उठाकर लेके जाके हॉस्पिटल में दाखिल कर दिए। तब से त्यागी फालतू का चैलेंज लगाना छोड़कर बुद्धि से कॉलेज जाने लगा। आइस कार अम्यूजमेंट पार्क। द्वारका नाम का एक गांव था। उस गांव में भरद्वाज नाम के एक बिजनेसमैन ने एक अम्यूजमेंट पार्क बनाया। उसने उसका मेंटेनेंस किशन नाम के व्यक्ति को सौंपा। शुरू शुरू में उस पार्क में खूब लोग आते थे। धीरे धीरे लोगों का आना कम हो गया। एक दिन भरद्वाज पार्क के पास आया। क्यों किशन, क्या कर रहे हो? लोगों का आना कम कैसे हो गया? तुम तो जानते हो कि ये मेरा गांव है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क बनाया, मेरी इज्जत बनाए रखने के लिए। भाई साहब, मैं आपसे एक सच्ची बात बताना चाहता हूँ। मुझे पेट भर खाए हुए 2 महीने हो गए भाई साहब। मैं दिन रात इस अम्यूजमेंट पार्क के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ भाई साहब, लेकिन किस्मत हमारे साथ नहीं दे रही। ऊपर से ये वातावरण में बदली बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड है भाई साहब। लोग अपने अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे भाई साहब। उनके पास मिश्रा नाम का व्यक्ति आया। सर, मेरा नाम मिश्रा है, मैं एक आइस आर्टिस्ट हूँ। मैंने कई किस्म के आइस व्हीकल्स बनाए हैं। अपने पार्क में उन व्हीकल्स को रखने के लिए जरा मुझे जगह दीजिए सर। उन व्हीकल्स को देखने के लिए भीड़ जमा हो जाएगी सर, खासकर छोटे बच्चे खूब मजा करेंगे। अरे तुम चुप हो जाओ भैया, अरे हम खुद ही सोच रहे हैं कि इस अम्यूजमेंट पार्क को कब बंद करें, और तुम यहाँ आइसक्रीम बेचना चाहते हो है? ए किशन, मारा दिमाग खराब है? ये एक आइस आर्टिस्ट हैं और तुम आइसक्रीम कह रहे हो? वैसे मैंने तुमसे कब कहा कि मैं पार्क बंद करना चाहता हूँ? चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। कहते ही किशन वहाँ से चला गया। देखो भैया, तुम इस पार्क में किसी एक जगह पर अपने उस आइस व्हीकल्स को रख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिलहाल तुम मुफ्त में रख सकते हो, और साथ साथ लोगों को इस अम्यूजमेंट पार्क की ओर आकर्षित करने की जिम्मेदारी भी तुम ही ले लो। किशन के साथ साथ तुम भी इस पार्क की देखभाल करते रहो। ये बात सुनकर मिश्रा बहुत खुश हुआ। उसके बाद मिश्रा ने अपने बनाए हुए कई किस्म के आइस व्हीकल्स का वहाँ नुमाइश रखा। अब अम्यूजमेंट पार्क आए हुए कुछ बच्चों ने उन गाड़ियों में बैठकर ड्राइव करना शुरू किया। बच्चे उस बर्फ के गाड़ियों में बैठकर ठंड को और ड्राइव करने के मजा का आनंद लेने लगे। यूं लोगों में धीरे धीरे मिश्रा के आइस व्हीकल्स की खबर फैलने लगी और उन आइस व्हीकल्स में बैठने के लिए लोग उमड़ने लगे। यूं कई दिन बीत गए। एक दिन गांव का प्रेसिडेंट कृष्ण के पास आया।
क्यों किशन, मुझसे तो तुम कह रहे थे कि 3 महीने में तुम पार्क बंद करा दोगे, और अब ये नया तमाशा क्या है? लोगों की तो भीड़ बढ़ रही है भैया। क्या बताऊं भैया, पता नहीं वो मिश्रा कहां से टपक पड़ा, उसने आइस व्हीकल्स की बात की थी। मैंने सोचा अरे लोग कहां आने वाले हैं, लेकिन लगता है इन शैतान बच्चों को वो बहुत अच्छा लगा। हर 2 दिन में एक बार अपने माँ बाप को सताते हुए लेके आते हैं। अरे कुछ चीज बनाना हो तो बहुत मुश्किल है, उसका सत्यानाश करना तो बहुत आसान है। अगर 1-2 बार आइस व्हीकल्स का सत्यानाश किया तो अपने आप बंद हो जाएगा। आज रात को मैं अपने 2 आदमियों को लेकर आऊंगा, तुम हमें दिखाओ कि आइस व्हीकल्स कहाँ हैं, आज ही उसका काम तमाम कर देते हैं। कहकर वहाँ से चला गया। यूं गांव का मुखिया अपने आदमियों के साथ लेकर किशन के साथ वो आइस व्हीकल्स के पास गया। वो उन आइस व्हीकल्स को तबाह करना चाहते थे कि तभी 2 पहलवान बाहर निकले। आओ कमीने लोमड़ी कहीं के, तुम्हारे लिए ही भरद्वाज साहब ने हमें यहाँ पर पहरे पर रखा है, आज तुम सबकी खैर नहीं। ए, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं इस गांव का मुखिया हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम सबकी खैर नहीं। अरे तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर मेरा दिमाग फिर गया तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मुखिया कौन है और सुखिया कौन, सबके बस कचूमर बना डालूंगा। कहकर किशन, मुखिया और उनके आदमियों को पकड़कर दोनों पहलवानों ने खूब पिटाई की। वो मार ना सहकर वे सब वहां से भाग गए। फिर दोबारा कभी वो आइस व्हीकल्स की तरफ नहीं आए। आइस व्हीकल्स के कारण लोग अम्यूजमेंट पार्क में खूब ज्यादा तादाद में आने लगे। ये देखकर भरद्वाज ने मिश्रा की खूब प्रशंसा की। स्नो कैंपिंग टेंट। एक गांव में मुकुल देव नाम का एक धनवान था। मुकुल देव को अमर देव नाम का बेटा था। अमर देव को बहुत आलीशान जिंदगी की आदत लग गई थी। हमेशा दोस्तों के साथ मजे करते हुए लाखों रुपए खर्च कर देता था। घर पर कई प्रकार के पकवान बनने पर भी वो ऑनलाइन ऑर्डर करता था। एक दिन मुकुल देव, अरे बचपन में ही तुम्हारी माँ मर गई, इसीलिए तुम्हें बहुत ज्यादा लाड़ प्यार दिया, तुमने जो पूछा वो दिया, आखिर में तुम ऐसे बनोगे मैंने नहीं सोचा। रे कैसे बना, एकदम सुपरमैन की तरह बना हूँ। कॉलेज में मेरा कितना क्रेज है पता है? मेरे कार, बाइक, पहनने हुए कपड़े, मैं जो कॉस्टली फूड खाता हूँ वो देखकर लोग चौंक जाते हैं। एक दिन भी सही मेरी तरह जीने के सपने देखते हैं, पता है? देखो बेटा, ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारी उम्र में दिन रात एक करके मेहनत किया था, तब जो मैंने मेहनत किया उसका फल अभी अपने पैसे जायदाद के रूप में है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, आराम की जिंदगी की आदत लग गई है तुम्हें। पैसे कब तक रहते हैं, कब जाते हैं किसी को नहीं पता, तब तुम तकलीफ को नहीं संभल पाओगे, इसीलिए थोड़ी मेहनत करके जिंदगी की कीमत जान लो। कीमत से याद आया डैड, मुझे ये कार बाइक से बोर हो गया है, मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए, मैं उसमें सारा देश घूम कर आऊंगा। अगर आप खरीद कर नहीं दिए तो मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। मुकुल देव सर पकड़ लिया। कुछ दिनों तक अमर की जिद नहीं संभाल पाने के कारण मुकुल देव ने हेलीकॉप्टर खरीद लिया। अमर उस हेलीकॉप्टर में बैठ कर, डैडी मैं हिमालय तक जाकर आता हूँ, रात को डिनर तक आ जाऊंगा, रुमाली रोटी तंगड़ी कबाब मंगा कर रखो, कहते हुए हेलीकॉप्टर ले गया। इस तरह अमर हेलीकॉप्टर में जाने लगा। इतने में हेलीकॉप्टर के इंजन में आग लग गई, वो एक जंगल में आग गिरी। उस जंगल में सारी जमीन बर्फ से ढकी हुई थी। अमर एक जगह बेहोश होकर गिर गया। अमर कुछ घंटों के बाद जागा, आसपास देखकर, बाप रे जंगल में गिर गया, अब यहाँ से कैसे बचूं? सोचकर आगे चलने लगा।
कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बैग नजर आया। अमर उस बैग से एक प्लास्टिक शीट, एक चाकू और कुछ दवाई बाहर निकाला। ये बैग यहाँ कैसे आया होगा, यूं सोचा अमर। तुरंत उस शीट से टेंट बनाया। उस चाकू से लकड़ियों को काटा, उन्हें लाकर टेंट के सामने लगाया। अब इन्हें कैसे जलाऊं? हाँ, बचपन में मास्टर ने कहा था कि आदिवासी छोटे छोटे पत्थरों से आग बनाते हैं, ट्राई करता हूँ, सोचा। फिर तो छोटे पत्थर को एक दूसरे से रगड़ने लगा। ऐसे कुछ देर रगड़ने के बाद चिंगारी लगी, उससे लकड़ी को जलाया। ठंडी में हाथ सेकते हुए, बाप रे, ठंड से तो बच गया, यूं सोचा। उस रात आग के सामने ही बैठा था। अगले दिन मुकुल देव अपना बेटा वापस नहीं आने के कारण चिंतित होने लगा। भूख लग रही है, बहुत कमजोरी भी है, कुछ तो करके शक्ति लानी होगी, सोचा। उस चाकू से एक पेड़ काटा, अच्छे से एक लकड़ी का स्टव बनाया। उस जंगल में मौजूद पक्षियों को बड़े मेहनत से पकड़ा, उस लकड़ी के स्टव में उन्हें पकाया, उन्हें खाकर भूख मिटाया। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। अमर को खाने के लिए कोई पक्षी या छोटे छोटे जानवर कुछ नहीं मिला। वहाँ बर्फ के अलावा कुछ नहीं था। वो फिर उस टेंट में बेहोश होकर गिर गया। इतने में मुकुल देव हेलीकॉप्टर में आकर जंगल में उसे ढूंढने लगा। मुकुल देव पायलट मिलकर अमर देव के टेंट के पास आ गए। दोनों मिलकर उसे उठाकर हेलीकॉप्टर में बिठाए, फिर अपने गांव ले आए। दिनों के बाद ठीक होकर अमर पिता से, डैडी आपके कहीं कहने पर भी मैंने नहीं सुना था, वो एक हफ्ता जब खुद से गुजारा तो असली जिंदगी क्या है, वो कब कैसे पलट जाती है, मुझे पता चला। वो तो अच्छी किस्मत थी कि मेरी मुझे उस जंगल में एक बैग मिल गया, वरना ठंड में तो मैं उसी दिन मर जाता था। वो किस्मत नहीं बेटा, दूर दृष्टि से तुम उस बर्फ के पहाड़ से जाने वाले हो, ये अंदाजा होने के बाद वो बैग शायद किसी काम आ जाए सोचकर मैंने ही उस हेलीकॉप्टर में रखा था। हमारे जीवन में कोई भी मुश्किल आए ऐसे तैयार रहना चाहिए, समझे। अमर उसे नमस्कार किया। उस दिन से अमर अच्छे से पढ़ने लगा। पढ़ाई के बाद अपना व्यापार संभालने लगा। मुकुल देव बहुत खुश हुआ।